हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन शनिवार, सैटरडे है, और आज ही है अष्टमी। और बहुत सारे लोगों ने आज ही बताया अष्टमी को, और पंचांग वगैरह में भी आज ही दी है। कल है नवमी, तो आज मेरा व्रत है। और उंगली गलत जा रही है। और नंदिनी का भी व्रत है, इनका नहीं है, चौको चौको का व्रत नहीं है, चौको चौको का व्रत है। चलिए, हम लोग तो जा रहे थे पूजा करने, और मेरे ससुराल में क्या है, कन्या पूजन नवमी को होता है। जब नवमी पूज जाती है तब कन्या पूजन होता है। मायके में अष्टमी का पूजन होता है और ससुराल में नवमी का पूजन होता है। लेकिन इस समय कन्याओं को तो बुला नहीं सकते हैं खाने के लिए कि खाना बना के खिलाओ, तो देखती हूँ कुछ ना कुछ और सोचते हैं। और आज का टाइम है सोचने के लिए, और कल देखिए क्या करते हैं फिर। तो आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारी दिनचर्या में। और अब आप ध्यान से देखिएगा कि आपका चोको चोको अभी क्या कर रहा था। छोजा नहीं, चंद्र। तो हो गई हमारी आज की पूजा आरती, यानी अष्टमी के दिन की। और अयान लगवा रहे हैं टीका, इनको टीका लगवाने का बड़ा शौक है। और अब नंदिनी काटेगी सेब, क्योंकि कल का व्रत है तो भूख तो लगी है। हेलो फ्रेंड्स, और ये है सेब, मैंने ये अपने लिए मासी के लिए काटे हैं, क्योंकि मेरा मासी का व्रत है। और आप सभी लोगों में से भी बहुत सारे लोग व्रत होंगे, तो ये सबसे पहले आप लोग खाइए, इससे पहले हम सब कुछ झूठे हो जाएंगे, फिर व्रत में झूठा नहीं रहते। नंदिनी, हाँ? क्या बना रही हो? आज मिठाई का दिन। किसने बोला? मौसी ने। मौसी ने? ये देखिए इस महिला को, इस नंदिनी से बनवा रही है आलू फ्राई और मुझसे बनवाएंगे भी चाय। हमारा भी मन चलता है कभी, हम भी कुछ बोल सकते हैं, वैसा भी कर दिया करो। और ये सारे रंगीन कपड़े मेरे हैं, जो कि मैंने रात में धो के डाले थे, क्योंकि इन सब के कपड़ों से बहुत दूर डालती हूँ मैं इनको, क्योंकि इनमें से रंग छूटने का डर रहता है। और शर्ट वगैरह में अगर एक भी कलर या दाग लग जाए तो आपको पता है वो छूटता नहीं है फिर, तो इसलिए मैंने इनको सबको हाथ से धो के और रात में ही डाल दिया था, क्योंकि मैं इनको मशीन में नहीं धोती हूँ रंगीन कपड़े अपने। ये ख़राब भी हो जाते हैं तो कलर फेड हो जाता है, दूसरा मुझे लगता है हाथ से तुरंत धो के डाल दो सही रहता है। मार्केट से मैंने ये वाली साड़ी खरीदी है 700 रुपए में, यही लोकल मार्केट से। और ये वाली साड़ी खरीदी है 600 रुपए में, और दोनों ही साड़ियां मुझे बहुत पसंद आई। आप लोग पूछ रहे थे साड़ियां कहाँ से खरीदी है, कितने की खरीदी है, तो एक 700 की, एक 600 की है, बट अच्छी है, हल्की हल्की साड़ियां हैं, डेली के लिए आराम से पहन के काम कर सकते हो इनको। और यहाँ पर दशहरा बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो बाहर मैंने देखा है अपार्टमेंट के दशहरे की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, सब जगह साफ़ सफाई का काम चालू हो गया है। और यहाँ पर अपार्टमेंट में भी ये देखिए पूरे अपार्टमेंट की धुलाई कर रहे हैं, बच्चे लगे हैं भाभी के, नीचे वाली भाभी के, और खुद भी लगी हैं धोने में। ये दुर्गा पूजा का क्लीनिंग कर रहे हो क्या? ना नवमी लास्ट डे, दुर्गा पूजा लास्ट डे, सर कल है, संडे को है ना। नहीं
की दीदी तो नहीं हो गई? दोस्तों आप लोग ये बात सोचिएगा कि मेरे बाल सुखा रहे, बाल कभी नहीं सुखाते, इन्होंने मेरे बाल कैसे कर दिए। मेरा कंघा यूज करके जेल लगाया है, क्या क्या लगाया इस कंघे में, अब कह रहे लाओ तुम्हारे बाल में सुखा देता हूँ। कंघे में खुशबू आती है, मैं तो यही यूज करूंगा। तुम ये चेंज कर दोगी, दूसरा ले आओगी, ये मेरे लिए छोड़ दोगी, तभी मैं दूसरा वाला यूज करूंगा। ये देखिए मेरी एक तरफ की नाक मोटी हो गई, यहाँ पे ना फुंसी हो गई, फुड़िया हो गई है, मतलब छुआ भी नहीं जा रहा, हाथ भी नहीं रखा जा रहा है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर ऐसे फुड़िया हो जाए, फुंसी हो जाए ना, तो एक फूल सूंघ के और धूप में कहीं छत पे डाल दो, तो जैसे जैसे फूल सूखता है वैसे वैसे फुड़िया सूख जाती है। ऐसा होता है या नहीं, नहीं पता मुझे। यार इतनी सारी चीजें करोगे, नाक साफ रख लिया करो। नाक साफ है, गर्मी से निकली। अयान कार की चाबी कहाँ है? कार की चाबी आप लेके घूम रहे थे ना, जब तक ये चाबी ना लाए नहीं ले जाना। अरे ये किसने रखा दुपट्टा? पट्टा ले लो, मम्मा का पट्टा। चलो नवरात्रि में शेविंग नहीं करते है ना? नहीं शेविंग नहीं करते, ना बाल काटते हैं, ना नाखून काटते हैं। ये पहले नहीं होता था, जब से ये पैदा हुआ तब से मेरे ठोड़ी में बाल आने लगा है, पता नहीं क्यों। ये किधर आ रहा है? दो चार बाल है, चार बालों में दाढ़ी बनी जाती है। और के दाढ़ी मतलब दाढ़ी कैटेगरी में आ गया, ये जिनके चार बाल यहाँ होते हैं ना उनकी दाढ़ी कैटेगरी में आ जाता फिर वो। आ गया कर। बाहर आके अयान इतना खुश हो रहा है, जितने लोग निकल रहे हैं सबको नमस्ते कर रहे हैं। ये देखिए हाथ जोड़ के झुक के सबको नमस्ते करता हुआ जा रहा था। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, क्या कह रहे हैं? भाई करो, चलो चलो। हाँ अंकल है, अंकल है। इनको कुछ शॉपिंग करनी थी अपने लिए, टी शर्ट वगैरह देखनी थी, क्योंकि कह रहे थे कि मेरे पास वाइट वाइट बहुत टी शर्ट हो गई हैं, तो मैं कुछ और ले लूं, तो ये वही चेक कर रहे हैं। बंद करो, इतना भी फोकस मत करो, नजर लग जाएगी। उतार दूंगी मैं नजर, चलो घर में हूँ ना तुम्हारी नजर उतारने के लिए। यार ऐड भी तो करना जरूरी होता है, हर जगह तुम अपना ऐड ही करते रहते हो। क्या कर रहे हो ये? अरे जरूरी है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अच्छा सही होता, कपड़े खरीदने आए थे चैनल के लिए? 5 लाख करवाने हैं, इससे सब्सक्राइब करवा रहा हूँ जहाँ जा रहा हूँ। देखिए सब्सक्राइब करवा दिया है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और आज मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में इतनी भीड़, इतनी खचाखच मार्केट भरी हुई थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहीं पे कार रोक के सामान लो। तो जब हम घर आ गए हैं उसके बाद ये लेने गए थे सामान, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई थी। और ये बता रहे हैं क्योंकि ये बत्ती है ना, जो रुई की बत्ती होती है, उसके दो तरीके के पैकेट लाए, एक छोटी वाली बत्ती, एक बड़ी वाली, और ऐसी मूँगफली के दाने, एक छिलके वाले, एक बिना छिलके वाले। तो ये बोल रहे हैं जब मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके का लेना है, तो मैं दोनों लेके चल देता हूँ। मैंने कहा ये ठीक है, ताकि फिर दोबारा भी ना जाना पड़े। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं व्रत के लिए खाना, तो यहाँ पर 4 आलू लिए हैं मैंने छील के, और इनको कद्दूकस कर ले रही हूँ, मतलब पतली वाली तरफ से, मोटी वाली तरफ से नहीं करेंगे। और जब कुछ ना समझ में आए कि व्रत में क्या बना के खाओ, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा था, नंदिनी से पूछा, नंदिनी बता रही, तो सबसे बेस्ट आइडिया मुझे यही लगा। तो यहाँ पर मैंने 4 आलू को कद्दूकस करके धो लिया है, और इसमें डाले हैं थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च, और साबूदाना बहुत कम था, मंगाना मैं भूल गई थी, बिल्कुल जरा से थे, इनको मैंने पीस लिया है, तो आधी कटोरी से भी कम था वो मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी मूंगफली मैंने पीस के डाल दी है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल दिया है, और धनिया को अगर गर्म पानी से धो दो, अभी ताजी धनिया थी, अजीब सा कलर हो जाता है, और थोड़ी सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, और अगर आप नमक खाते हैं तो नमक, नहीं तो छोड़ दें। और उसके बाद में ये थोड़ा सा दही डालेंगे, तो घर का बना दही है, ये डाल दिया मैंने आधी कटोरी के लगभग, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम है, और बस सबको अच्छे से मिला दूंगी मैं। और इसमें और सब्जियां वगैरह कुछ अगर आप चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, बट इतना ही काफ़ी है। और सबको अच्छे से हाथ से, पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसको अगर पानी डाल देंगे तो ये हाथ से पैते नहीं बनेंगे, चपटे करते नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है, क्योंकि आलू भी थोड़ा सा गीला है, दही भी है इसमें, और बस ऐसे टिक्कियाँ जैसी लोई सी हाथ में बना के इनको चपटा चपटा कर लेना है हाथ से,
इस तरीके से। तो सारे बना बना के मैं तवे पे डाल दूंगी। थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने तवे पे नीचे ताकि चिपके ना। और जब ये एक तरफ अच्छे से पक गए हैं तब इनको दूसरी तरफ भी पलट दिया है। इस तरीके से दोनों तरफ अच्छे से उलट पुलट के एकदम ब्राउन होने तक पका लेना है। थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है क्योंकि इनको धीमी आंच में पकाना है। तो धीरे धीरे 4 से 5 डाल दो, सिकते रहते हैं जब तक। यहाँ पे मैंने और भी पैके रख लिए हैं और जब तवे में डाला है तब उनको और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। ये देखो तो ऐसे हाथ से पैके मैंने दूसरी बार के भी डाल दिए हैं और दूसरी बार का सेब बहुत अच्छा आया है। जब हम पहली बार कोई चीज़ डालते हैं तो सेब उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन दूसरी बार में एकदम परफेक्ट हो जाता है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी अपनी टिक्कियां सेक ली हैं और इनको आप खा सकते हैं चाय के साथ में, दही के साथ में, जैसे भी खाना हो। अगर नमक डाला हो तो इसमें बहुत ही मज़ा आ जाएगा, लेकिन बिना नमक के भी बहुत टेस्टी लगती हैं। कितना सुंदर कलर दिख रहा है इनका, ब्राउन ब्राउन, खाने में सच में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा तो डिनर लग गया है, आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं खा के। दोस्तों ये है वाइजैक का नज़ारा। मैंने सोचा, मैंने रमा को बोला कि चलो आज ऊपर जाके मून लाइट में एंडिंग करते हैं। आप देख रहे होंगे जो लाइट जल रही है, ये दशहरा के उपलक्ष्य में पटाखे छूट रहे हैं। आज हम करेंगे कैंडल लाइट वीडियो एंडिंग और पीछे आप वाइजैक का नजारा देख रहे होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 12 और अभी आपने देखा कि दशहरा तो का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं। आप सभी को हैप्पी दशहरा, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स ये मेरी जुगाड़ है, दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में है इसलिए इतना क्लियर हो गया क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिखता। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को एंड कर दें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और एक बार फिर से आप लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि रात के अंधेरे में 12 बजे बोल रही हूँ, इससे ज्यादा भयानक नहीं हो सकता है।